बात करते हैं उस प्लेयर की जिसका नाम है अंशुल कंबोज। उनको खरीदा है मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में। उनका बर्थ हुआ 6 दिसंबर 2000 का करनाल हरियाणा का। उनकी एज है 23 साल। राइट हैंड वो बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। ऑलराउंडर उनका मेन प्लेइंग रोल है। इनकी बात करें तो हरियाणा से खेल चुके हैं, इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं। करियर की बात करें तो बैटिंग में फर्स्ट क्लास की, सेम मैच की 11 इनिंग में उन्होंने 182 रन बनाए हैं। हाई स्कोर उनका 37 का, स्ट्राइक रेट 91 का। लिस्ट की बात करें 15 मैच की 4 इनिंग में उन्होंने 23 रन बनाए हैं। हाई स्कोर 17 का है, स्ट्राइक रेट 191.66 का है। T20 के 9 मैच की 5 इनिंग में उन्होंने 22 रन बनाए हैं। स्कोर उनका 8 रन है और स्ट्राइक रेट 91.66 का है। बॉलिंग की बात करें फर्स्ट क्लास की, 6 मैच की 9 इनिंग में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं। बॉलिंग बेस्ट है 47 रन देकर, 2 विकेट इकॉनमी है 3.37 का। लिस्ट की बात करें 15 मैच की 15 इनिंग में 23 विकेट लिए हैं। बॉलिंग बेस्ट है 30 रन देकर, 4 विकेट इकॉनमी उनका है 3.83 का। T20 के 9 मैच की 9 इनिंग में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं। बॉलिंग बेस्ट उनका 12 रन देकर, 3 विकेट इकॉनमी उनका 6.91 का। डेब्यू की बात करें फर्स्ट क्लास का, डेब्यू उनका हरियाणा वर्सेस त्रिपुरा के मैच में दिल्ली में 17 फरवरी 2022 को। लिस्ट का डेब्यू है बिहार वर्सेस हरियाणा के मैच में 15 नवंबर 2022 को। T20 का डेब्यू है हरियाणा वर्सेस कर्नाटक के मैच में 22 अक्टूबर 2022 को। रीसेंट बेस्ट की बात करें तो हरियाणा वर्सेस दिल्ली के मैच में 22 रन देकर 3 विकेट, हरियाणा वर्सेस तमिलनाडु के मैच में 30 रन देकर 4 विकेट, और इसके अलावा हरियाणा वर्सेस चंडीगढ़ के मैच में 16 रन देकर 2 विकेट, और हरियाणा वर्सेस बिहार के मैच में 17 रन देकर 2 विकेट। देखते हैं अगर उनको मुंबई इंडियंस में प्लेइंग 11 में चांस मिलता है उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है।